ओके सर। नमस्कार, आज यह वेबिनार शिक्षकों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य आधारित मॉड्यूल के विवेचन के लिए आयोजित की गई है। अत्यधिक हर्ष का विषय है कि इस वेबिनार को लॉन्च करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मैडम रश्मि अरुण शर्मी हमारे साथ हैं, श्री लोकेश जाटव डायरेक्टर आरएस की, अनुभा डिप्टी सेक्रेटरी और हमारे विभाग की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों के लिए ऑलरेडी जब से कोविड की अवधि हुई हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, आनंदम संस्थान की ओर से किया गया था, जिसमें लगभग हमारे 10,000 टीचर्स ने 6 वीक्स का कोर्स 80 घंटे का किया। जैसा कि विदित है कि सर इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि विभाग अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य करें। तो शिक्षकों के मन में कोविड के कारण काफ़ी चिंता, भय या असमंजस की स्थिति होती है और इसी तरह बच्चों के भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अब आगे चूंकि सत्र प्रारंभ हो चुका है, हमें शिक्षा को प्रारंभ रखने के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है कि हम हमारे शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य का एक मॉड्यूल लॉन्च करें। इसमें हमारी मदद की है यूनिस्पिन और एक आरसी फाउंडेशन और एक लक्ष्य संस्था है, सब इन्होंने हमको सहयोग किया और इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के 19 मॉड्यूल्स वीडियोज तैयार किए हैं। इसमें हमारे शिक्षकों को और बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल बड़े कारगर साबित होंगे। मैं बताना चाहूँगी कि यूएनएफपीएल के सहयोग से हमारा उमंग मॉड्यूल ऑलरेडी कक्षा 9 से 12 में चल रहा है, जिसमें कि जीवन कौशल शिक्षा दी जाती है किशोरों को। इसके साथ ही साथ जनवरी में अपने उमंग किशोर हेल्पलाइन लॉन्च की। तो इस कोविड के दौरान ये जो 1-4-4-2-5 हमारी उमंग किशोर हेल्पलाइन है, इस पर लगभग 40,000 कॉल आए सर, और जिसमें सभी तरह के बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं। और ये कॉल्स मुख्यतः बच्चों को उनके एकेडमिक कैरियर किशोरावस्था, कोविड-19 के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, नशे के उभारने के लिए हेल्पलाइन ये चालू की गई है। जो आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी मुख्य रूपरेखा ऐसा है सर कि इसमें जो सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण ऐप है, इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के जो 19 मॉड्यूल्स हैं, इसमें सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से 2 चरणों में किया जाए। प्रथम चरण में शिक्षक को चिंता, भय और असमंजस की स्थिति का सकारात्मक रूप से सामना करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए सभी शिक्षकों को तैयार करना है। इसके लिए 6 मॉड्यूल जो है उसमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं का प्रबंधन, विचारों में परिवर्तन, क्रोध प्रबंधन, मन की व्यायामशाला और परिचर्चा पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे प्रथम सप्ताह से 17 अगस्त से 22 अगस्त में पहले मॉड्यूल को दिया जाएगा, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं के प्रबंधन पर जोर रहे। दूसरे भाग में 2 मॉड्यूल क्रोध प्रबंधन और तीसरे मॉड्यूल में मन की व्यायामशाला परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा चरण है सर, जो 24 से 29 अगस्त तक रहेगा सर, उसमें मुख्यतः विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थियों को चिंता और भय और असमंजस की स्थिति से उभारने के लिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जैसा कि विदित है कि हम लोग को इसके बाद कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो कंटेंट देने के पूर्व जरूरी है शिक्षक स्वयं भी मानसिक रूप से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और बच्चों को भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहती हूँ, योर मेंटल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, योर हैप्पीनेस इज असेंशियल एंड योर सेल्फ केयर इज अ नेसेसिटी। तो आइए हम लोग इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आज इस मानसिक स्वास्थ्य के मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय मंत्री जी से करने के लिए आगे। उसके पूर्व मैं चाहूँगी कि हमारी प्रमुख सचिव महोदया सभी शिक्षक साथियों को एड्रेस करेंगी और वो इस के बारे में पूछ। थैंक यू मिस्टर यादव, माननीय मंत्री जी, सीपीआई मैडम, कमिश्नर राज शिक्षा के डिप्टी सेक्रेटरी अनुभा श्रीवास्तव मैडम, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमसे जुड़े सभी शिक्षकगण,
सर, कोविड के जो ये अभूतपूर्व सिचुएशन है सर, इसमें हम सब जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पहली बार हम अपने जीवन काल में इस तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं निरंतर। और बहुत जरूरी है कि सर हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे इस समय को कैसे हैंडल करना है उसको अच्छी तरीके से सीखें, और जब बच्चे स्कूल आए तो उनके अंदर, और जब तक स्कूल नहीं भी आ रहे हैं तब तक भी उनके अंदर जो भी भय है, चिंता है, जो तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं भविष्य को लेकर के, उसको हम कैसे उनसे निपटने में हमारे बच्चों की मदद कर सके, ये हमारे लिए एक बहुत प्राथमिकता का विषय है। और जैसा अभी सीपीआर मैडम ने कहा कि ये तभी संभव है जब हमारे शिक्षक स्वयं इक्विप्ड हो इस तरह की समस्याओं को हैंडल करने के लिए, और बच्चों को कैसे गाइड किया जाना है इसके लिए उनके पास पर्याप्त टूल्स हो। तो हमारे उम्मीद है सर कि जो मॉड्यूल्स हैं 19 मॉड्यूल्स, इसके माध्यम से न सिर्फ हमारे शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को टैकल कर सकेंगे, बल्कि वो उनके पास इस किस्म के टेक्निक्स और इस किस्म के स्किल्स डेवलप होंगी कि वो हमारे बच्चों को इस समय कैसे बेहतर गाइड करना है, और स्कूल प्रारंभ हो उसके बाद उन्हें निरंतर इस स्ट्रेसफुल समय में कैसे उन्हें गाइड करना है, ताकि बच्चे एक तनाव से मुक्त होकर के और जो भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे उनसे निपटना है उसके लिए तैयार हो सके। UNFPA सर हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं और उमंग मॉड्यूल्स में उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मॉड्यूल को तैयार किया है। हमें कोई इस बात में संदेह नहीं है कि ये मॉड्यूल बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे शिक्षकों और बच्चों के दोनों के लिए। फिर भी सभी जो शिक्षकगण जो उनसे जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि निरंतर फीडबैक हमें इस मॉड्यूल पर देते रहें, और उन्हें अगर कोई और समस्या है, कोई दिक्कत है तो वो हमें बताएं। इसके साथ ही सर मैं सभी के से ये भी कहना चाहूंगी कि भारत सरकार ने मनोदर्पण जो पोर्टल तैयार किया है सर, जो उनकी वेबसाइट पर है, उसमें भी बहुत सारे इस प्रकार के मॉड्यूल्स हैं और टूल्स हैं। तो हम राइटिंग में भी सर इसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि मनोदर्पण से भी वो जुड़े, और उसके लिए जो तमाम जो अच्छी जो उसमें उपयोगी बातें हैं उसका लाभ लें हमारे टीचर्स, और जब हमारे स्कूल्स खुलें तो वो उसको व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करें। मैं सर शुभकामनाएं देना चाहूंगी इस पोर्टल के लिए, और सभी से उम्मीद करूंगी कि इसका पूरा बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, और दीक्षा ऐप पर इसको, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है तो उसका अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल जैसा भी मैम ने आपको बताया, मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार MHRD ने भी मनोदर्पण जो लॉन्च किया है उसमें स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। तो आप लोग एज अ रिसोर्स मटेरियल अपने इस प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के साथ साथ उसका ज़रूर उपयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और ये दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है, आप सबने ऑलरेडी पूर्व में दीक्षा के काफ़ी कोर्सेज किए हैं तो उसको निरंतर आगे चलेंगे। अभी हमारे बीच हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं, मुझे अत्यधिक खुशी है कि सर इस डिजिटल, इस ऑनलाइन काल आपके समय से शुरू हुआ है। COVID-19 ने हमारे सभी शिक्षकों को इसके लिए ट्रेन कर दिया है, और जब से आप पधारे हैं सर, हम लोग निरंतर नए नए ऑनलाइन कोर्सेज प्रारंभ कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये एक मेंटल हेल्थ के जो प्रशिक्षण है, मैं चाहूँगी कि आप सभी को समझ। हमारे लिए उपस्थित स्कूल शिक्षा CS मैडम, लोक शिक्षण कमिश्नर मैडम, उपस्थित सभी अधिकारी, हम सब जानते हैं कि लंबे समय से पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से प्रभावित हुआ, और ऐसे में मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। समाज का हर तबका, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आम जन हो, कहीं ना कहीं सब प्रभावित हुए, और उसके कारण से विचलन होना स्वाभाविक है, भविष्य की चिंता होना भी स्वाभाविक है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हम मार्ग खोजें, कुछ रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। उस दृष्टि से
हमारे विभाग ने महत्वपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वीडियो के माध्यम से अधिकांश हमारे शिक्षक और शिक्षक के बाद में फिर विद्यार्थी जरूर इसका लाभ लेंगे। तो निश्चित रूप से जो तनावग्रस्त वातावरण है, जो चिंता युक्त वातावरण है, उससे हम सबको मुक्ति दिलाने में ये वीडियो कारगर साबित होगा। पहले शिक्षक मानसिक रूप से तैयार हो और खुद स्वस्थ हो, खुद प्रसन्न हो, विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे और अपना उदाहरण पेश करके छात्रों के बीच में जब जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा छात्र जगत, हमारे विद्यार्थी तनाव से मुक्ति पाएंगे। और हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि तनाव आए नहीं, लेकिन क्योंकि कोरोना में ना शारीरिक कार्यक्रम हुए हैं ना अन्य प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, उसके कारण से तनाव आना, चिंता आना या डिप्रेशन में जाना ये स्वाभाविक होता है, लेकिन इससे उभारना भी हमारा सबका काम है। और उसके लिए ये हमारा आज का जो मॉड्यूल है, वीडियो है, निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे अच्छा कार्यक्रम चले, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़कर लाभ ले, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी पोर्टल लॉन्च करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है मैम वो इसका और दिखा देते हैं। सभी शिक्षक साथी ये देख रहे हैं इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान केंद्रित कर लेते हैं लेकिन मानसिक और भावनात्मक कल्याण को अनदेखा कर देते हैं। स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को समाहित करता है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमारे विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना काम और अन्य गतिविधियों में उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही हमारे अपने जीवन में बदलाव लाने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की समझ विकसित करने में भी सहायक है। आइए अब इस कोर्स के उद्देश्य को जानते हैं। इस कोर्स द्वारा हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके क्या तत्व है और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। यह भी जान पाएंगे कि वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है और साथ में यह भी जानेंगे कि अपनी सोच में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी शिक्षकों से मेरा ये आग्रह है कि ये मानसिक स्वास्थ्य का जो कोर्स है ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के प्रत्येक शिक्षक अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक सोच के साथ अपना आगामी कंटेंट प्लान करेंगे, अपने बालकों के भी मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकेंगे। तो आइए आज से ये कोर्स प्रारंभ हुआ है, आप सभी लोग अपने दीक्षा पोर्टल पर लॉग इन करके इस कोर्स को प्रारंभ। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सर। सर
अभी थोड़ा अनुभव वास्ते सर एक परिचय देंगे हम लोगों ने जो देशभक्ति का गीत हमारे बच्चों ने तैयार किया है उसके बारे में। नमस्कार आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, आदरणीय आयुक्त मैडम, आदरणीय लोकेश सर और मेरे सभी साथियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विभाग ने देश भक्ति से उत्प्रोत एक गीत तैयार किया है। इसे हमारे शासकीय स्कूलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों ने गाया है। ये गीत हमने स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल के मदद से तैयार किया है और इसका नाम है तीन रंग का झंडा प्यारा। इसमें सर भोपाल, राजधानी भोपाल के अलावा 10 जिलों के कुल 20 बच्चों की सहभागिता रही है। ये जिले हैं सर सिवनी, ग्वालियर, शाजापुर, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी, सागर, शहडोल और बैतूल। हमें उम्मीद है सर कि ये गीत देशभक्ति की भावना और उत्साह का संचार करेगा और हमारे सभी जो हमारे शालेय जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें प्रेरणा उत्पन्न करेगा। सर आपसे अनुरोध है कि Thank you.
बहुत सारे बच्चे हमारे बच्चों का बधाई देना चाहिए सभी बच्चे जिन्होंने गीत गाया है अलग अलग गिरे पर और विभाग ने उसको संयोज कर एक पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में शिक्षाविदों के बीच में इसको पहुंचाने का काम किया है। इसलिए बच्चों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और विभाग को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छा 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 बिल्कुल किसको क्या वो सब जोड़ा है जोड़ने वाले की भूमिका बच्चों को तो मालूम पड़ गया होगा ना, बच्चों को मालूम पड़ा ही सारे बच्चों को लिंक दिया हुआ भी सब अच्छा लगा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु विषय डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं माननीय विभागीय मंत्री श्री इंद्र सिंह वर्मा जी का, विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैडम का, सीपीआई मैडम श्री जयश्री कियासत, विभाग के उप सचिव श्रीमती अनुभा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे 12 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, आप सभी का पुनः स्वागत है। सर, इस वेबिनार में हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट नॉलेज पार्टी बड़े अरविंद के एनजी संस्था के वरिष्ठ प्रतिनिधि यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। सीटीज, आईएसी और हमारे जो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है सर, इनका बहुत ही अहम रोल है सर पूरे शिक्षा व्यवस्था को कहने में, विशेषकर जो दायित्व निर्वहन के रूप में अगर हम बात करें सर, प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, एक्शन रिसर्च और शिक्षा से संबंधित जो नवाचार हो रहे हैं सर, उसको कैसे हम लोग क्लासरूम तक पहुँचाएं ताकि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें और हमारे शिक्षकों को जो विषय वस्तु समझने में या क्लासरूम में ट्रांजेक्शन करने में जो दिक्कत आती है सर, उन सभी बिंदु को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण है वो हैंड होल्डिंग का काम करते हैं सर। ये बात सही है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सर संसाधन कमी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि जो संसाधन मौजूद है सर उनका भी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कमी का संज्ञान लेते हुए सर, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमारा जरिया क्या होगा, हमारा क्या मार्ग होगा, इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है सर, जो हमारे संस्थान को सशक्त करेगा कि जो संसाधन है कैसे हम उनका समुचित उपयोग करें और कैसे अपने जो कर्तव्य हैं उनको ठीक तरीके से निर्वहन करें सर। इस उद्देश्य के साथ इस वेबिनार का प्रारंभ किया गया है सर। इस वेबिनार को आयोजित करने में और नॉलेज पार्टनर के रूप में सर अजीत जैन जी संस्था मतलब बहुत लंबे समय से काम कर रही है सर और उन्हीं के टेक्निकल नो हाउ से ये कार्यक्रम हम संपन्न करा पा रहे हैं सर।
मैं वहाँ समय ना ले लेते हैं उससे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जो स्टेट है श्री ऋषि मिराज उनसे आग्रह करूँगा उनके बाद रहते हैं इस वेबिनार की संक्षिप्त रूप से अभिषेक। थैंक यू लोकेश सर, माननीय मंत्री जी कश्मीर मैम जयश्री मैम अनुभा जी और सभी संस्थानों से जुड़े हुए हमारे साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मात्र दो चीज़ों पे अपनी बात रखूँगा। एक तो इस कार्यशाला की रूपरेखा किस आधार पे बनाई गई है उस पर मैं बात करूँगा और इसकी छोटी सी जो प्रक्रिया है उस पर मैं बात करूँगा। तो सर जो रूपरेखा है उसमें तीन उसके चरण हैं। पहला चरण तो यह है कि जितने भी हमारे संस्थान हैं वो सभी संस्थान अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और एक ईमानदार मूल्यांकन करने की आवश्यकता हमको महसूस होती है। तो एक पहला स्टेप उसका है जिसमें सभी संस्थानों को हम लोगों ने जो है एक प्री टास्क दिया था, उस टास्क में उनको उनके जो अलग अलग घटक हैं यानी कि प्री सर्विस, इन सर्विस, रिसर्च, जिस वहाँ का कल्चर, ऐसे सात आयामों को लिया था और सातों आयामों पे उनको एक टास्क दिया गया था कि वो अपना स्वयं का मूल्यांकन ईमानदारी से करें। तो वो उसका सर पहला पड़ाव है वो पूरा हो चुका है। दूसरा पड़ाव सर वेबिनार्स हैं, तो 17 से 22 अगस्त तक हमने इनको प्लान किया है और इसमें 6 थीम्स हैं जिस पर प्लानिंग की है। तो पहला वेबिनार आज होगा शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य पे, दूसरा वेबिनार दुनिया भर में बेहतर शिक्षक तैयारी कैसे की जा सकती है, तो जो वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस हैं दूसरी कंट्रीज के उसके ऊपर कल एक वेबिनार होगा। तीसरा सेवा तालीम शिक्षक प्रशिक्षण के ऊपर है, फिर शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उस पर है, फिर शोध आधारित बेहतर शिक्षण हम कैसे कर सकते हैं और फाइनली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सर इस पूरे वेबिनार की संस्करण में वो ये है कि हमारे इन संस्थानों की संस्कृति कैसी हो, कल्चर वहाँ का कैसा होना चाहिए जिससे कि हम लोग जो है उद्देश्यों तक पहुँच सकें। एक चीज और है जिसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा वो ये है कि जो भी विजन डॉक्यूमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके मूल में ये हो, जो भी विजन हम बनाए उसके मूल में हम ये डाल पाएं कि हमारे बच्चे बेहतर कैसे सीखेंगे, यानी कि हर एक कदम जो ये शिक्षक संस्थानें उठाएंगी और अपना 1, 3 और 10 साल तक का प्लान इसमें बना रही होंगी उसके मूल तत्व में ये होना बहुत जरूरी है कि हम ये सोच पाएं कि इससे बच्चे बेहतर कैसे सीखेंगे जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की एक छोटी रूपरेखा है। वेबिनार के साथ साथ में सर ये होगा कि रोज भी टास्क दिया जाएगा, जैसे आज जो वेबिनार होगा उसके बाद आज के शिक्षा शिक्षक के उद्देश्य पे एक टास्क दिया जाएगा जिसको कि कल फिर से जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टीज हैं जो वेबिनार से जुड़ी हैं वो उसको रिव्यू करेंगी और उसके ऊपर चर्चा होगी। तो रोज एक वेबिनार होगा, टास्क दिया जाएगा और शाम पे उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये कुछ एक दिन हमारा ऐसा बीतेगा। जब ये वेबिनार्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद इसका एक चरण और होगा जिसके अंदर सभी संस्थानें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगी और ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि सभी संस्थान अपना अपना बनाएंगी अपनी अपने मूल्यांकन कर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एक जैसा बना देते हैं लेकिन स्थितियां एक जैसी नहीं होती हर संस्थान की। तो इंडिविजुअली प्लान करेंगे ताकि हम एक ऐसा विजन और प्लान तैयार कर सकें जो कि करणीय हो, जो कि फिजिबल भी हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू विजय मजीद हिंदी फाउंडेशन की सुना सिंह धन्यवाद। सर दो बातें पुनः रेखांकित करना चाहेंगे कि पहला जो इसका आउटपुट होगा सर वो एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में होगा जिसमें हमें शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की अवधि की गोल, मीडियम टर्म है 3 साल की अवधि की गोल और लॉन्ग टर्म है 10 साल की अवधि की गोल, इस तरह से प्लान किया है सर, ताकि जो शिक्षा का जो तेजी से बदलता परिदृश्य है सर उसमें हमें किस तरह से तैयार रहना है, किस तरह से हमारी टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स हम लोग समय के साथ बदल सकें, विशेषकर जिस तरह से कोविड परिस्थितियाँ का हम सब अनुभव कर रहे हैं सर, इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए सर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है सर। अब मैं आगे करूँगा सर प्रम सचिव मैडम से विजन डॉक्यूमेंट के बारे में, माननीय मंत्री जी विजय मैडम और कमिश्नर राजेश जी सभी अनुभा जी अदीम प्रेम जी फाउंडेशन से पधारे अभिषेक जी और हमसे जुड़े सभी शिक्षण संस्थाओं के
अधिकारीगण और अजीम प्रेम जी संस्था के सभी सहयोगी का। सर सबसे पहले तो मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारे साथ इतना एक महत्वपूर्ण जो कार्य है उससे जुड़े हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारा हमारे साथ काम किया है हमने। जो आज हम काम स्टार्ट कर रहे हैं सर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सर हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करने के लिए। कोई भी शिक्षा प्रणाली जो है सर वो उतनी मजबूत होगी जितना कि उसका प्रशिक्षण तंत्र मजबूत होगा। और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है सर उनमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है सर। और कैसे वो बेहतर टीचर्स इन सर्विस कोर्सेज भी कैसे बेहतर कर सकें सर और प्री सर्विस कोर्सेज भी कैसे बेहतर कर सकें सर, दोनों पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जो ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है सर यहाँ बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कुछ उन्हें सपोर्ट की भी जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत इस किस्म की एक एक्सरसाइज की है कि वो विजनिंग करें और भविष्य में उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको कैसे वो अचीव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सर ये जो बदलता हुआ परिदृश्य है इसमें कैसे वो टीचर्स को सपोर्ट कर सकते हैं सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना एक महत्वपूर्ण कदम सर विश्व राज्य शिक्षा केंद्र और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन मिलकर के उठा रहे हैं। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये लोग बहुत अच्छे प्लान तैयार करेंगे। और जैसा अभिषेक जी ने अभी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो डूएबल हो, कि ऐसा एक आदर्श प्लान क्रिएट कर ले जिसको कि हम पूरा ना कर पाए उसका कोई मतलब नहीं होता। जो प्लान तैयार करें वो एक्चुअली अचीवेबल होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। आप लोग को सबको मैं लॉट ऑफ पीपल सर मैं बहुत क्लोजली जानती हूँ, मुझे पता है कि कितने डेडिकेटेड लोग हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छा काम करेंगे सर ये लोग और हमें बहुत अच्छा आउटपुट और रिजल्ट देंगे सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो साथियों आप सभी ने सुना कि विभाग का कितना बड़ा ट्रस्ट है, हमारे शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है और वहाँ पे जो हमारे जो अधिकारी कार्यरत हैं। और आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी को जो कहते हैं इंग्लिश में कि लीड फ्रॉम फ्रंट, उस तरह का एक दायित्व है वो आपको निर्वहन करना है। मैं इसी सूत्र का नाम भी रहूँ मेरे विभाग के मंत्री जी को विकास सर। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपस्थित हमारे मुख्य सचिव मैडम, लोक शिक्षण आयुक्त मैडम और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त डॉक्टर जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, विशेष रूप से अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के हमारे अभिषेक जी, सभी जितने लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं इससे सभी शिक्षण तो आगे जा करके नहीं रखने वाले हैं इससे सभी बंधु होते हैं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से एक विद्यार्थी को सिखाने की जरूरत होती है, समय के साथ बदलाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शिक्षक को भी परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है और उसके लिए प्रशिक्षण की बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे विभाग के प्रशिक्षण संस्थान लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, परंतु जैसा हमारे बीएस मैडम ने बताया कई सारी कठिनाई भी आती है, संसाधनों की कमी भी महसूस होती है, उसमें से आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हुए हम कोई काम करते हैं। कोरोना के कारण से जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं उस कारण से हमको कार्य करने का तरीका बदलना पड़ रहा है और इसलिए हम आज के इस परिस्थिति में वेबिनार के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ हमारे प्रशिक्षण संस्थान जो संचालित है उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। 17 से 22 अगस्त तक 6 दिन की इस कार्यशाला में हमारी कार्यप्रणाली की समीक्षा और भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं दिशा तय करने का काम इस विजन डॉक्यूमेंट के वेबिनार में हम तैयार करेंगे। जैसा जाटो जी ने बताया है 1 वर्ष 3 वर्ष और 10 वर्ष निश्चित रूप से 1 वर्ष की योजना 3 वर्ष की योजना 10 वर्ष की योजना 10 वर्ष की योजना यानी इसके आगे का भी विचार इसमें समाहित होगा और हम सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मध्य प्रदेश की प्रणाली को प्रशिक्षण व्यवस्था को बना पाएंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। योग्य शिक्षक समय समय पर उनका मार्गदर्शन करना उनके सहयोगी के रूप में हमारे प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं समझता हूं कि एक नई छाल लाने के लिए आगे बढ़ने के लिए हम सबको नए सिरे से विचार करते हुए नए संदर्भ में नई परिस्थिति में और मध्य प्रदेश के जो समाज है यहाँ के जो विद्यार्थी है उनकी मनसा के अनुरूप हम अच्छे टीचर्स दे पाएंगे प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षकों की व्यवस्था कर पाएंगे तो निश्चित रूप से यह अमूलचूल परिवर्तन करने में हमारे संस्थानों की भूमिका हमेशा बनी रहती है आगे भी रहेगी। और इस आज के विचार विमर्श जो 5-6 दिन चलेगा उसके बाद जो कुछ निकलता है हम विभाग के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि उस पर एक बार फिर चर्चा हो और मैडम रोज उसको आगे भी देखती रहे ये मेरा विशेष आग्रह है। सभी को मेरी ओर से शुभकामना है बधाई है और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपके प्रेरक शब्दों के लिए बोला धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा अपर संचालक राष्ट्रपति की ओर मेडो जी से आभार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में हमने 3 कार्यक्रम लॉन्च किए। पहला मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो कोर्स श्रृंखला हमने आयोजित की वो हमारे शिक्षक और टीचर्स बच्चों के लिए। दूसरा था हमारा ट्रेनिंग संस्थान जिनका अपना उत्तरदायित्व का बोध और नया हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो इस संदर्भ में लगातार 17 से 22 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें 7 सिटीज 2 ISC और 1 PPTI प्लस 1 साइकोलॉजी जो संस्थान है जबलपुर की ये लगातार उसमें कनेक्ट रहेंगे पूरी फैकल्टी के साथ। साथ ही माननीय के करकमलों द्वारा एक सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है तो इस गरिमामयी उपस्थिति से निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के बोलन से विभाग का आत्मबल भी बढ़ा है और प्रेरणा भी मिली। और कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते लगातार हमको इस ऑनलाइन मोड पर डिजिटल मोड पर काम करने की जरूरत रहेगी ताकि हम बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक के माध्यम से पहुंच सके। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से विभाग बड़ा लाभान्वित हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय PS मैन के लगातार नेतृत्व में हम लोग डिजिटल मोड पे लगातार काम कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सुखद विषय है कि चूंकि मैम हमारे यहाँ कमिश्नर भी रही और उन विभाग की बारियों को बहुत बखूबी जानती हैं। बहुत माइनोरिटी लेवल पर जाकर वो रिव्यू करती हैं और निश्चित रूप से उनका लाभ भी हम सब विभाग के अधिकारी लगातार लेने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय कमिश्नर मैडम आयुक्त लोक शिक्षण
अभी आपने मानसिक स्वास्थ्य पर उनका उद्बोधन सुना और वो भी लगातार वेबिनार के माध्यम से हमारे प्रत्येक टीचर और बच्चों से लगातार जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आयुक्त सर राज शिक्षा केंद्र, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पूरा एक डिजिटल वेबिनार तैयार किया गया। अजीत प्रेम जी फाउंडेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा और लगातार हम डाइट के साथ भी इनका सहयोग ले रहे हैं, डाइट के थ्रू भी ये लगातार हमारी नो मॉडल डाइट को भी हम डेवलप कर रहे हैं, उसके माध्यम से अन्य जो डाइट को भी उसको लिंकेज कर रहे हैं। तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए अजीत प्रेम जी के हमारे बीच उपस्थित थे अभिषेक जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाकी पूरी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि लगातार चाहे वो मीडिया की टीम हो चाहे हमारी टी के मेंबर्स, वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ न कुछ बच्चों के लिए लगातार बेहतर करें, डिजिटल मोड पे करें, ऑनलाइन मोड पे करें। तो मैं पुनः माननीय मंत्री जी का आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके कदमों से हमने 3 प्रोग्राम को आज लॉन्च किया। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जय। हाँ सर, क्लोज कर दिया। अमिताभ ने बहुत मेहनत करी वो गाने को लेकर के। हो गया सर।